मुझसे आज किसी ने पूछा कि क्या तुम मुझे बीजेपी को वोट करने के 5 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दे सकती हो जिसको ध्रुव राठी भी काउंटर ना कर पाए और मैं 100% कन्विंस हो जाऊं। और उन 5 रीजंस में राम मंदिर, आर्टिकल 370, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फॉरेन पॉलिसी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पहला रीजन है पीसीटीवी बिल, एक ऐसा कम्युनल बिल जो कि 2013 में आने वाला था, जिसके अनुसार अगर देश में कहीं भी कोई भी झगड़ा, दंगा, कुछ भी होता है तो अपराधी हमेशा मेजॉरिटी ही माना जाएगा। ऑपोजिशन के विरोध की वजह से 2013 में ये बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन ये बिल अभी भी पेंडिंग है। दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि देश की कोई भी प्रॉपर्टी उनकी है तो वो उनकी ही है, इसमें आपका घर भी हो सकता है, और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हैं तो आप उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब अपराधी से इंसाफ मांगना पड़ेगा। और थर्ड है हलाल इकोनॉमी, और ये हलाल सर्टिफिकेशन देता है जमात उलेमाए हिंद, और ये जमात उलेमाए हिंद देश के जितने भी टेरर एक्यूज हैं उन सब की लीगल हेल्प करता है। चौथा बहुत ही सिंपल रीजन है कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीते और बीजेपी हारे, और जो पाकिस्तान चाहता है वो मुझे नहीं चाहना है क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है। और पांचवा रीजन है कि मैं हिंदू हूँ, और जो भी लोग हिंदुत्व या सनातन के इरेडिकेशन की बात करेंगे उन्हें मैं भारत से इरेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए खतरा है।